क्या हाल है यार? सही, बड़ी मेहनत हो रही है। हाँ यार, जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक अपने खेत तो है ना काम करने के लिए। अच्छा यार, कल तुम्हारे किसान इत्तेहाद ने रोड क्यों ब्लॉक किया हुआ था? यार कोई एक मसला हो तो बताओ, कभी खादे महंगी तो कभी पानी नहीं मिलता। अगर फसल अच्छी हो जाए तो माशाल्लाह, दूसरी हुकूमत हमारी रेट ही नहीं पूरा देती। कैसे तो क्या बना फिर? हुकूमत ने मुतालबात पूरे किए आपके? ना मानती हुकूमत, हमने पूरा पंजाब बंद कर दिया था। तो यार, रोड तो रोज कोई ना कोई ग्रुप बंद कर देता है, मुतालबे किसी के पूरे होते नहीं है। हमने बड़ी प्लानिंग के साथ रोड बंद किया था, ये जीटी रोड तो क्या, हमने लोकल रोड भी बंद कर दिया था ताकि किसी को रास्ता ही ना मिले। यार आवाम तो बहुत जलील हुई होगी। होती रहे अपनी बला से, जब हुकूमत नहीं हमारा सोचती तो हम किसी का क्यों सोचे मेरे भाई। अच्छा यार, अल्लाह आपके मसाइल हल करे। ड्यूटी पे कोई नहीं है, मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है वारिस? वालेकुम सलाम जनाब, ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, स्वागत कर दो यार, सुनाओ। ठीक ठाक। जनाब क्या बना फिर उस दिन आप लोग के धरने का, कोई फायदा हुआ? फायदा बड़ा कामयाब हुआ, पूरी शरायत मनवा ली हमने हुकूमत से। यार उस दिन तो बहुत पुलिस जमा थी इधर, मैं तो समझा भगा देगी आप लोगों को। अल्लाह क्या बात करते हो, पुलिस वाकई बड़ी थी उस दिन इधर। लेकिन भाई हम भी तो अपनी पूरी तैयारी के साथ आए हुए थे ना, ये देखो जरा, पूरी पुलिस उधर जमा थी, किसी की जरूरत नहीं हुई कोई करीब भी आ सके। 8 घंटे हमने मुकम्मल रोड ब्लॉक रखा उधर। यार एम्बुलेंस भी एक फंसी हुई है इधर तो। ओ भाई उधर 5-6 एम्बुलेंस थी। तो आपने किसी एम्बुलेंस को नहीं जाने दिया? यार हम इन्हीं को ब्लॉक रखे, इसी वजह से धरना कामयाब हुआ है। हमने भाई उधर कोई मरीज नहीं देखा, कोई एम्बुलेंस नहीं देखी, हमने तमाम लोगों को ब्लॉक करके रखा है। इसी वजह से हुकूमत पे प्रेशर बना है, अगर इन लोगों को जाने देते तो हुकूमत पे प्रेशर नहीं बनना था, ना ही हमारा धरना कामयाब होना था। इसी वजह से तो हम कामयाब हो गए। कभी बैठेंगे इंशाल्लाह, तफसील बताऊंगा तुझे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। सईद यार, काम मसरूफ रहते हो आजकल। वो जो इंटरव्यू के लिए गए थे वहाँ नौकरी मिली कि कोई नहीं? कहाँ यार, हमारे मुल्क का ये ख़राब निज़ाम तुम्हें पता तो है। क्या हो गया निज़ाम को यार, अच्छा भला तो है। यार आए दिन रोड ब्लॉक, आए दिन रोड ब्लॉक। जिस दिन मेरा फाइनल इंटरव्यू था उस दिन भी रोड ब्लॉक था। तो फिर क्या हो गया, आप चले जाते? और यार मैं गया था तो रोड ब्लॉक था तो मैं पहुँच ही नहीं सका। भाई थोड़ा सा लेट हो जाते, इसमें क्या था, पहुंच जाना था। 8 घंटे रोड ब्लॉक रहा है तो मुझे तो रास्ता ही नहीं मिला, तो कैसे पहुंच सकता? पहुंचा ही नहीं मैं तो मुझे तो नौकरी नहीं मिली। तो आप बाद में चले जाते, उनसे बोल देना था आपने कि मैं लेट पहुंचा हूं। तो फिर क्या, दूसरे दिन भी नहीं हुआ इंटरव्यू? तो वो आखिरी लास्ट डेट थी, कैसे नौकरी मिलती मुझे? मेरा तो कैरियर तबाह कर दिया यार इस खराब निज़ाम ने। अब लगता है ये खेती बाड़ी ही मेरा मुकद्दर बन गई है। चलो यार कोई नहीं, दिल छोटा मत करो, खुदा जो करता है अच्छे के लिए करता है। अस्सलाम वालेकुम। भाई आदल, क्या हुआ आपको? बस यार ये अपने अमाल की सजा है जो भुगत रहे हैं। कौन सी अमाल की सजा, क्या किया आपने? बैठो यार तुम्हें बताता हूँ। बस यार ये एक्सीडेंट हो गया, मेरा बाजू कट गया ये वाला। तो एक्सीडेंट से बाजू कट गया, ये क्या मतलब, आप गए नहीं हॉस्पिटल ही गए? बस गया था मेरा भाई, मोटरसाइकिल पे टक्कर हो गई मेरी ट्रक के साथ। अच्छा। और बाजू पे जख्म बड़ा शदीद था इधर, तो घर वाले लेके गए हैं लेकिन रास्ते में रोड ब्लॉक था भाई, टाइम पे पहुंच नहीं सका। तो यार आपने उनको दिखाना था ना रोड, किन ने ब्लॉक किया था? यार रोड ये स्टूडेंट थे कोई, उनका कोई लड़का जहाँ भाग हुआ था। अच्छा। उन्होंने रोड ब्लॉक किया हुआ, वो कहते हम नहीं गुजरने देंगे, तो बस उन्होंने। तो आपने दिखाया नहीं उनको के बाजू पे चोट लगी हुई? मेरे बड़े भाई ने बड़ी मिन्नतें की उनकी, उसे कहा कि यार जाने दो मेरे भाई का ये हालत है, उसका बाजू का। वो पता नहीं उनके दिल कैसे हो गए थे, वो कहने लगे नहीं हमने नहीं जाने देना। वहाँ पे बड़ी उनकी मिन्नत समाजत की, मेरे सर ने, मेरे भाई ने अपने वो सर का कपड़ा उनके पाँव में फेंका, वो नहीं माने। उधर हम लेट हो गए और उसके बाद डॉक्टर के पास पहुँचे, तो डॉक्टर साहब आगे से कहते कि यार तुम लोग बड़े लेट हो गए हो,
इसके टिश्यूज जो है ना हड्डी के और गोश्त के, कहने लगे वो ख़त्म हो गए हैं, अभी इसका बाजू जुड़ नहीं सकता। भाई ने बड़ा कहा, डॉक्टर साहब फिर बताएं क्या हाल है? वो डॉक्टर साहब कहने लगे जी बस एक ही हाल है कि बाजू फटना। इससे पहले कि कुदरत वक्त के इस जालिम हथौड़े से हमारी आदतों को बदले, खुदा के लिए अपनी आदतों को तब्दील कीजिए। एहतजाज, धरने और रोड ब्लॉक के नाम पे लोगों की जिंदगी को मुश्किल ना बनाइए। आज के दिन अल्लाह करीम ने इस दुनिया में वो हस्ती भेजी जिसने आके इंसान की जिंदगी को बहुत आसान बना दिया। करोड़ों रहमतें करोड़ों दरूद उस जात पे। अगर एहतजाज करना आपका आइनी हक है तो याद रखिए कि आपके हाथ, जुबान और अमल से दूसरे मुसलमानों का महफूज रहना ये आपका मजहबी फरीजा है। पाकिस्तान जिंदाबाद।